हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर आर.के. मिश्रा सर। तो जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हम ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, तो फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से हमारा ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट है इनफैक्ट, जो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। देखिए बार बार पूछा जाता है। तो एनालॉग सिग्नल टाइम वेरिएटिंग सिग्नल होती हैं और डिजिटल सिग्नल पर्टिकुलर टाइम में इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इसमें याद रखिएगा, डिजिटल में हम दो ही इनपुट देते हैं, या तो जीरो या तो वन, जिसको हम ऑन या ऑफ भी कहते हैं, ट्रू या फॉल्स भी कहते हैं, हाई या लो भी कहते हैं। जैसे कि ये ग्राफ में अगर आप देखो, ये लो वैल्यू है जीरो, ये वन, फिर ये जीरो, फिर वन, एंड सो ऑन। याद होगा डायोड में भी हम इसका यूज करते हैं गेट के क्वेश्चन में, डिजिटल सिग्नल जब आता है वेव फॉर्म बनाने के लिए तो भी हमें टीटी में इसका यूज आता है। तो आगे बढ़ते, राइट टू बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड विच बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज फॉर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो देखिए बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन में दो है, पॉइंट टू पॉइंट और एक ब्रॉडकास्ट मोड। पॉइंट टू पॉइंट में हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट बात करते हैं, यानी कि वायर्ड भी चला जाता है। ब्रॉडकास्ट में चीजों को हम भेजते हैं, यानी कि जैसे कि सैटेलाइट से हमने भेज दिया और उसे बहुत सारे एंटीना उसे ट्रांजिस्ट कर रहे हैं या उसे रिसीव कर रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट मोड कहते हैं उसको। अगला, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट मोड एग्जांपल के साथ। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड में जो कम्युनिकेशन है वो एक लिंक के थ्रू होता है, यानी सिंगल ट्रांसमीटर होता है और सिंगल रिसीवर होता है, जैसे टेलीफोन। इन द ऑन द अदर एंड ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि एक ही ट्रांसमीटर होता है और बहुत सारे रिसीवर होते हैं। जैसे टेलीविजन आप देखते हो तो ट्रांसमीटर एक ही होता है, और आप सबके छतों पे डिश टीवी जो कि कर्व्ड एंटीना होता है वो हम आगे देखेंगे, और बहुत सारे लोग उसको इंटरसेप्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिसीवर और उसको फर्दर देखते हैं या कन्वर्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट मोड होता है। नेक्स्ट है, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसड्यूसर रिपीटर। तो देखिए ट्रांसड्यूसर, आप जब फोन पे बात करते हो तो देखिए आप साउंड एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम माइक कहते हैं। और वही अगर हम रिसीव करते हैं तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको साउंड में कन्वर्ट करता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। तो एक तरीके से ट्रांसड्यूसर को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा डिवाइस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करे। एग्जाम्पल अगर पूछता है तो आपको माइक और लाउड स्पीकर लिखना है। रिपीटर होता है जैसे कि आप से, अब मान लीजिए एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, लेकिन बाई चांस मुझे भेजना उसे 1 किलोमीटर और जो ट्रांसमीटर है वो भी 0.5 किलोमीटर भेज सकता है। तो हम क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर पे हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है, बीच में यानी 0.5 किलोमीटर पे हम एक और एंटीना लगा देंगे जो कि एक काम करेगा, वो ट्रांसमिट भी, मतलब वो रिसीव भी करता है, एम्पलीफाई भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। तो एक तरीके से रेंज बढ़ाने के काम आता है रिपीटर। तो इट पिकअप सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर, एम्पलीफाई और फिर रिट्रांसमिट करता है। जैसे कि आपका डिश टीवी का जो एंटीना है सिर्फ रिसीवर है, ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसा एंटीना चाहिए जो ट्रांसमिट भी करे और रिसीव करे, इससे हम लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपागेशन में, यानी जिसे हम कहते हैं रेंज इससे बढ़ाया जा सकता है। अगला, ट्रांसमीटर रिसीवर, बहुत सिंपल है। ट्रांसमीटर ये पूरा एक सिस्टम है, इसमें आपका ट्रांसड्यूसर भी आता है, इसमें आपका मॉड्यूलेशन भी आता है और इसमें आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना भी आता है। तो एक बेसिकली अगर हम इसे डिफाइन करें तो एक ट्रांसमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करता है थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, और रिसीवर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल को रिसीव करता है थ्रू रिसीविंग एंटीना, ठीक है। अगला है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देखिए मॉड्यूलेटर का ये डेफिनेशन आपको 100% याद हो जाना चाहिए। मॉड्यूलेटर, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज ऑन कैरियर सिग्नल। अच्छा, क्यों सुपर इम्पोज किया जाता है, ताकि यहीं से तीन टाइप का मॉड्यूलेशन बन जाता है। अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है
कैरियर का अकॉर्डिंग टू मैसेज, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर विड्थ चेंज हो रहा है तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। बट सिंस आपके सिलेबस में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिटेलिंग है, तो आप एम्पलीट्यूड के ही इक्वेशंस आगे बढ़ाओगे। डीमॉड्यूलेटर वही एक ऐसा डिवाइस जो क्या करे, जो आपका कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल दोनों को सेपरेट कर दे, जिसे हम रिट्रीव्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अगला है राइट द फंक्शन ऑफ बैंड पास फिल्टर इन कम्युनिकेशन। तो देखिए बैंड पास फिल्टर ये लो और हाई फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है और बस उसी फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है जो एक रेंज के, जो गिवन रेंज है उसके अंदर आए। और इसमें हमारे पास तीन रेंज होता है, एक कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, एक LSB जिसे लो साइड बैंड कहते हैं, और एक USB जिसे अपर साइड बैंड कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही ये सिग्नल को, फ्रीक्वेंसीज को लेता है। इससे छोटी या इससे बड़ी सिग्नल अगर आती है फ्रीक्वेंसी की तो उसे ये रिजेक्ट कर देता है। अगला एटेन्युएशन, देखिए लॉस है एटेन्युएशन जब, अच्छा एक और चीज देखिए, लॉस दो टाइप का होता है, एक नॉइस होता है और एक एटेन्युएशन होता है। नॉइस हमेशा ट्रांसमीटर साइड में होता है, जो अनवांटेड सिग्नल है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ और कोई अगल बगल से फालतू आवाज भी आ रही है, तो ये एक नॉइस है जो कि पूरा सिस्टम में मॉड्यूलेट होकर बकायदा रिसीवर के पास जा रही है। वही एटेन्युएशन क्या होता है, कई बार आप देखो बात करते हो, सामने वाला कहता है मैं तो चिल्ला के बात कर रहा हूं, बट आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो इसे लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, जब कोई आपका कम्युनिकेशन चैनल में जो सिग्नल है जब प्रोपागेट करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर की वजह से, जैसे फ्रिक्शन हो गया, इन सब की वजह से लॉसेज होता है स्ट्रेंथ में, जिसको हम एटेन्युएशन कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन अभी मैंने ऊपर बताया था। अगला डिफाइन मॉड्यूलेशन टर्म, एक मार्क्स में प्लस न्यूमेरिकल बनता है इसमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसे मॉड्यूलेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूलेशन जो इंडेक्स है AM/AC, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल होता है, तो μAM/AC। बाद में ग्राफ से आप देख सकते हो कि MX-A min और डिवाइडेड बाय MX+A min, एक्चुअली AM होता है MX-A min बाय 2 अगर न्यूमेरिकल आए तो, लिख लीजिएगा, और AC होता है MX+A min बाय 2। दोनों को डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा और MX-A min डिवाइडेड बाय MX+A min, और इसे हमेशा लेस देन 1 रखा जाता है ताकि डिस्टॉर्शन से बचाया जा सके। याद रखिएगा अंडर मॉड्यूलेशन बोलते हैं जब लेस देन 1 है, और अगर 1 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, जिसे हम ओवर मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जो कि कभी भी अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए ना, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल मॉड्यूलेटर फॉर ऑब्टेनिंग AM सिग्नल शोन इन फिगर, आइडेंटिफाई बॉक्सेस A and B, राइट देयर फंक्शन। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम 5 हैं जो कि आपके NCERT में, और सारे आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर सीधा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, A यहाँ स्क्वायर लॉ डिवाइस है और B यहाँ बैंड पास फिल्टर है। स्क्वायर लॉ डिवाइस का मतलब होता है वो एक ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो BXT+CXT के स्क्वायर में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो, और जो बैंड पास फिल्टर है ये वही बात है, अभी हमने ऊपर देखा, रिजेक्ट करता लो और हाई फ्रीक्वेंसी का, और सिर्फ जो बैंड है LSB SB के बीच में उसी फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है आगे कन्वर्जन के लिए रिसीवर में। अगला देखिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर इज शोन इन फिगर, एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करिए। देखिए यहाँ XIF स्टोरेज है और Y जो है यहाँ एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर आपको पता ही है पावर इंक्रीज करने काम आता है, जो भी एटेन्यूएशन हुआ उसको ये करेक्ट करता है। दूसरी चीज जो IF स्टेज है, याद रखिएगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज, ये क्या करता है हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको याद होगा मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसीज बढ़ाई जाती हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी को एक लोअर फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है ताकि डिटेक्शन आसान हो। नहीं तो, अच्छा एक चीज, अगर IF स्टेज हटा दें तो फिर बहुत महंगा एपरेटस हो जाएगा, रिसीवर बहुत महंगा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाई फ्रीक्वेंसी के लिए उसी हिसाब से एक डिवाइस क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का, रिसीवर का। अगला है ड्रॉ दी वेव फॉर्म फॉर इनपुट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एट ए आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर एंड आउटपुट। देखिए ये एक्चुअली जो है ये रिसीवर का एक तरीके से ब्लॉक डायग्राम है, इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता है, ये देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हो गया। रेक्टिफायर आपको पता ही है नेगेटिव हाफ साइकिल को ये रेक्टिफाई कर देता है, बस पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद एनवेलप डिटेक्टर में एक्चुअली ये कैपेसिटर लगता है, जो कि क्या करता है, ये जो
डिसकॉन्टिन्यूएशन है, आप देखिए जो लाइन ऐसे ऐसे, इसको एक यूनिफॉर्मिटी के साथ देखिए कांस्टेंट ले आता है, तो आपका यही मैसेज सिग्नल था एक्चुअली जो कि ये रिट्रेस करता है। अगला आपके पास ब्लॉक डायग्राम जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो याद कर जाना इन्फॉर्मेशन सोर्स, उसके बाद ट्रांसमीटर, फिर चैनल, फिर रिसीवर और उसके बाद यूजर, बीच में मैसेज सिग्नल आता है। देखिए नॉइस आपका ट्रांसमीटर एंड में आता है और एटेन्यूएशन इस साइड आता है जब आप चैनल के थ्रू प्रोपागेशन करते हो। अब इसमें ट्रांसमीटर पहले हमने डिस्कस कर लिया, चैनल वही जो मोड है यानी ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में जो मीडियम है जिसके थ्रू आपका वेव प्रोपागेट करता है उसे ही हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, और रिसीवर भी हमने अभी पहले डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीफली एक्सप्लेन दी थ्री फैक्टर विच जस्टिफाई द नीड ऑफ मॉड्यूलेटिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई, तो ये याद होना चाहिए आपको, ये इसी पे मार्क्स मिल जाते हैं। पहला साइज ऑफ एंटीना, क्योंकि आपको पता है देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीना, एक हाफ वेव और एक क्वार्टर वेव, तो जनरली हम क्वार्टर वेव को लेके चल रहे हैं, तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया नहीं जाएगा तो वेवलेंथ काफी बड़ा हो जाएगा, और वेवलेंथ बड़ा होगा तो हाइट ऑफ एंटीना भी बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि जनरली लैम्डा बाई फोर के टर्म में चाहिए, इसीलिए हम पहली चीज हाई फ्रीक्वेंसी में करना जरूरी है क्योंकि साइज ऑफ एंटीना को छोटा करना होता है। दूसरा इफेक्टिव पावर जो रेडिएटेड होता है एंटीना का वो भी इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के और इन्वर्सली होता है लैम्डा स्क्वायर के। तीसरा मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल, अगर आप बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी का होगे तो हो सकता है डिफरेंट सिग्नल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाए और फिर वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करे, ठीक है, तो रिसीविंग साइड में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन सा सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी के उसमें है, तो इसलिए मिक्सिंग ऑफ सिग्नल को अवॉइड करना तो भी मॉड्यूलेशन का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखिए सो ड्रामेटिकली हाउ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज ऑब्टेन, तो देखिए यहां ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, देखिए ये आपका मैसेज सिग्नल है। एक चीज आपको याद रखना है, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मैसेज सिग्नल का इंक्रीज होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल डिक्रीज होता है। आप देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर आ गया और नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे, ये देखिए डिक्रीज हो गया जिसकी, और ये रिप्लिका है, ठीक है, ये वेव का रिप्लिका है नीचे, और ये जो आपको ऊपर बाउंड्री, एक्चुअली ये बाउंड्री नहीं होती, ये हम अपने लिए बनाते हैं ताकि हमें पता रहे कि एक्चुअली ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ठीक है, ये ऐसा ही ऐसा होता है बस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम। अच्छा एक और चीज, ये देखिए ये ए मैक्स होता है, ऊपर फॉर्मूला एक याद होगा म्यू का, तो ये ए मैक्स होता है और ये जो है हाइट ये ए मिनिमम होता है, तो यहीं से ए मैक्स माइनस ए मिनिमम बाई टू और ए मैक्स प्लस ए मिनिमम बाई टू जो कि एम और ए सी की वैल्यू वो निकाली जाती है। अगला ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल मॉड्यूलेटर एंड एक्सप्लेन हाउ ए एम वेव इज प्रोड्यूस। देखिए ब्लॉक डायग्राम में मैसेज सिग्नल आया, कैरियर सिग्नल आया, दोनों का एडिशन हुआ, सुपर इम्पोजिशन हुआ, नेक्स्ट स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास होते हुए बैंड पास फिल्टर पे आया, उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव निकल आया। तो डेरिवेशन आपको देखिए ऑलरेडी हमने कम्युनिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहो तो उसमें कर लो, LHB USB और बैंडविड्थ निकालना होता है प्लस ग्राफ बनाना होता है। अब आ जाते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन पे, 5 मार्क में जिसे कहते हैं, तो नेम दी थ्री डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपेगेशन यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो तीन मोड होता है, ग्राउंड, स्काई और स्पेस, और इंडिकेट क्लियरली विच वन ऑफ दीज इज यूज टू अचीव लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय आयनोस्फीयर रिफ्लेक्शन, तो देखिए स्काई वेव और लाइन ऑफ साइट LOS में स्पेस वेव आ जाती है। अगला विच मोड ऑफ प्रोपेगेशन इज यूज एज शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ मेगा हर्ट्स टू 30। देखिए मेगा आता है, याद रखिएगा, किलो में आता है तो लो फ्रीक्वेंसी होता है जो कि बहुत क्लोज टू अर्थ चलता है, अगर मेगा में है तो ये आ जाता है स्काई वेव प्रोपेगेशन में, ठीक है, जिसे हम HF या VHF कहते हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और अगर अल्ट्रा में आता है तो वो UHF होता है, और UHF सैटेलाइट मोड ऑफ प्रोपेगेशन होता है। तो देखिए ये चूंकि फ्यू मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज से स्काई वेव प्रोपेगेशन में आपको पता है दिन के टाइम में आयनोस्फीयर में 3 लेयर होते हैं DE F1 F2, रात में ये सारा हटके एक ही लेयर बन जाता है, यानी F1 F2 मिला के एक लेयर बन जाता है, ठीक है, इसीलिए रात में जो सिग्नल आता है वो काफी क्लियर होता है, आपने नोटिस भी किया होगा अपने फोन ऑन पे, क्लियर हो रहा है। अच्छा जी एक और चीज, यहां पर अगर वर्किंग पूछता है स्काई वेव प्रोपागेशन का, तो इसमें क्लियरली याद रखना कि हम इसे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे भेजते हैं, ठीक है, ताकि
TIR हो, यानी सिग्नल वापस आ सके, ताकि एक तरीके से अम्ब्रेला का काम करा एनोस्फियर, और सिग्नल को आपने भेजा उसको उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया और वापसी में आप उसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपके पास कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक है जो मैं ऐड करूंगा एक दो दिन में, जैसे यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर लो, एक आपका रेंज ऑफ फॉर्मूला पे रेंज ऑफ एंटीना का डेरिवेशन और उस पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी। एक आध दो कुछ टॉपिक्स अभी आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट आपके टीचर्स ने बताया बट प्लेस नहीं हुआ पूरे सीरीज में, तो एक्चुअली वो न्यूमेरिकल में चला जाएगा, जैसे कि LC ऑसिलेटर हो गया, इम्पीडेंस कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका रेंज ऑफ एंटीना हो गया, एरिया कवर्ड, पॉपुलेशन डेंसिटी कवर्ड, मैग्नेटिज्म में नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना क्वार्टर सेक्शन का या स्क्वायर लूप का करंट कैरिंग। ठीक है, तो उसका हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, बट टिल नाउ आप ये सारा करने के बाद NCERT का एग्जांपल जरूर करना है, एक्सरसाइज आप मान लीजिए नहीं भी किए तो एग्जांपल जरूर करना है। और देखिए आपके सामने क्वेश्चंस है और आपको मालूम है कि ये सारे सिलेबस में है, तो ऑब्वियसली बार बार मैसेजेस आता है क्या हम ट्रस्ट करें, क्या हम इसको फॉलो करें, तो देखिए ऐसा तो कोई क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया जो आउट ऑफ सिलेबस हो, तो अगर आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली वो फायदेमंद होगा, और इतना तो नॉलेजबल आपको होना ही होना है कि क्या चीज़ आपके लायक है, क्या चीज़ आप मतलब आपको, आप स्टूडेंट हो आपको भी ये चीज़ें दिखती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि मैं एक रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक रेगुलर फैकल्टी हूँ, आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो। ठीक है, और मैं IIT नीट एज वेल एज एकेडमिक तीनों चीज़ हैंडल करता हूँ। करेंटली मैं CBSE क्लासेस देखता हूँ प्लस नीट के क्लासेस और IIT के क्लासेस देखता हूँ, तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस में हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्लासरूम में भी हमारे पास मोर देन 200 स्टूडेंट हैं जो हमारे से पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी जैसे पास आउट स्टूडेंट हो गया या वो कुछ अपनी पढ़ाई कर रहा है और साइड में हॉबी के रूप में वीडियो बना दे रहा है और बच्चे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं जो जिस लाइन का होता है, ये हमारी लाइन है, ये टीचिंग फील्ड है, हम पर डे हम यही करते हैं, बच्चों का प्री बोर्ड लेना, UT लेना, क्वेश्चन सेट करना, तो जो हम गाइडेंस देंगे, ठीक है, वो ऑब्वियसली जो कोई इधर उधर या कोई ऐसे ही बाय हॉबी बना रहा है उसमें फर्क आ जाएगा। बाकी इन इतनी सारी चीजें ऑब्वियसली मैं खुद ही नहीं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा मैं अपग्रेडेशन प्रोसेस में हूँ, तो थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो अगर आप कर सकते हो तो जरूर करिए, कोई भी अमाउंट, कोई ऐसा वो नहीं है उसमें कोई फर्द, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ लाइव क्लासेस करने का, तो उसके लिए थोड़ा सेटअप करना है। चलिए, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और सून में बायो का फिजिकल वर्क, अच्छा एक चीज़ और, फिजिक्स का मैं हैंडल करूँगा, बाकी सब्जेक्ट के जितने इम्पॉर्टेंट है वो मैं अपने कलीग से बना के फिर आपके सामने रखूँगा, यानी सिलेक्शन मेरे कलीग करेंगे। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग भी मैं उनके ही थ्रू कराता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज योर R.K. मिश्रा सर।